Meera and Murtaza Singh look beautiful together, but I do want to say Munna and Zarnaam also look. मैंने कहा दिस इज द फिनाले सो आई शुड लुक द बेस्ट और आप सब लोग इतना प्यारा तैयार होकर आए हैं और इतना वार्म वेलकम दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच. मुझे जिसमें मेरे चाहने वाले दिखना चाहते हैं मैं उसमें कंफर्टेबल होते हैं. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया. और सबसे पहले तो सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी वीडियो देखी और इतना लाइक किया, इतना पसंद किया, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप लोग इतने क्रेज़ी फ़ैन हैं जो यमुना ज़ैदी और वहाज अली के. और मैं ख़ुद इस कदर उनकी बड़ी फ़ैन हूँ. मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि वो लोग इधर यूएसए में आ रहे हैं और वाशिंगटन डीसी में आ रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल जो है ना क्रेज़ी हो गई थी. और मैंने कहा जिस तरह भी हो, जहाँ पे भी हो, मैंने जाना, चाहे जितनी मर्ज़ी दूर हो. और आप लोगों को मैं बताऊँ, ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव थी हमारी जहाँ पर हम लोग रहते हैं उससे जहाँ पर शो था वहाँ तक की 1 घंटे की ड्राइव करके एक्साइटेड होकर मैं तो निकल पड़ी यहाँ पर. और इतनी एक्साइटेड थी जब मैं वापस आई तो मैंने बगैर एडिट किए, कुछ भी एडिटिंग कुछ भी नहीं किया, और मैंने डायरेक्ट जो है ना उनकी वीडियो डाल दी. मैंने कहा आप लोग भी इंजॉय करें, आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप लोग ख़ुद बैठ के जो है ना वो शो देख रहे हैं. और जब लोगों के मुझे कमेंट मैंने पढ़े और इतना ज़्यादा आप सब ने लाइक किया उस वीडियो को, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई. और जो है ना मुझे यही था कि आप लोग भी खुश हों, मैं ख़ुद इतनी खुश थी उनसे मिल के, उन्हें देख के. तो मैंने इसीलिए बगैर कुछ भी किए, बगैर जो है ना एडिट किए बगैर मैंने डाल दी वीडियो. तो मैंने कहा अब मैं आराम से तसल्ली से आपको अपना सारा जो है ना, मैं उनसे मिली, क्या फ़ील किया, वो सब कुछ बताती हूँ. तो फर्स्ट तो यही कि हम 1 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आए और वेदर भी ख़राब था, बारिश थी, लेकिन फिर भी हम लोग शुक्र है सही पहुँच गए. जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर शो जो है वो हो चुका था स्टार्ट. Yes, are we enchanted and so excited about tonight? Yes. We have an amazing lineup of entertainment for you. Of course, besides the 2 amazing celebrities who are coming today, we have dancers, we have singers, we have this amazing DJ with us, delicious food, and the most important celebrity, हम खुद ही हैं, right? तो सेलिब्रिटी को तो जो आए हैं हमसे मिलने के लिए उनको हम एंटरटेन करेंगे, राइट? ओके, सो आई सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन टुडे, यू आर हियर, व्हाट डू यू वांट टू सी हैपनिंग ऑन द स्टेज? व्हाट इज गोना मेक यू हैप्पी? डांस. डू यू लाइक डांसिंग? डू यू लाइक सिंगिंग? डू यू लाइक टॉकिंग? व्हाट डू यू लाइक? ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू सी? She just like you. Okay, tell me what grade are you in? First grade. Oh. Okay, did you eat? You ate? What's your favorite food? What's your favorite dessert? Food batao main. Biryani, biryani, biryani. She likes biryani. See? Biryani? Then? You want to give it a surprise? You don't want to tell them? They all see, they all are watching you. Oh my God, history of Bahaj and you. Na, to mujhe ab ye chemistry ka secret pata karna padega, jisse ki hum bhi apne models ko usi tarah se train kare, right? So that we don't have to go get them from out of country. Hum kyun nahi yahi pe ban banaye apne celebrities? Aur thank you so much. That was a great idea. Aur bataye, what else? Hanji, please aaiye. Oh, regular husbands hote hain. Unko Murtaza kaise banna hota hai? Wo. Lower your problem.
हर किसी की होगी आई एम श्योर, हर किसी की होगी आई एम श्योर. वेरी गुड, ग्रेट पॉइंट, वी गॉट इट. आप लोगों ने कैप्चर कर लिया ना ये पॉइंट. वेल वी नीड टू रिपीट दैट. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू रॉबिन फॉर अकोमोडेट. तो मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करती हूँ ना, अगर वहां जा रही हूँ नहीं करेंगे तो मैं कुछ करती हूँ. बताइए ना क्या चाहते हैं आप. आपके लिए तो गाने गाने डेफिनेटली. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? इनके एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो गया. आपकी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करा जाए? आप युवा को बुला रहे हैं, बहुत ऐसे इंतजार कर रहे हैं. आ रही है, शी इज हियर ऑलरेडी, तैयार हो रही है. वो भी गाना मेकअप के मुझे दिखी है. गाना कौन गाएगा? हमारे पास है सिंगर लाए हुए हैं, पर एक दो चार लाइन तो मैं भी गा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बस यहाँ पे शो जो है वो स्टार था, सिर्फ वहाज अली और जुमना जैदी ही नहीं थे, बाकी सिंगर्स वगैरह भी थे और डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह भी थी. तो हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे तो मन्हा जब स्टेज पे गई, मन्हा बहुत ज़्यादा शाय है, हसन थोड़ा सा, हसन बिल्कुल भी नहीं शाय, मन्हा शाय है थोड़ी सी. तो वो स्टेज पे गई और बहुत ही जो है ना वो नहीं बोली कुछ भी, बड़ी मुश्किलों से ही बस उसने अपने ग्रेड का ही बताया था किस ग्रेड में है. बड़े बच्चे अभी शाय हैं, थोड़ा सा उसको टाइम लगता है. और मन्हा जो इस इवेंट में आई है ना, स्पेशली मन्हा को यहाँ पे आने से पहले कोई पता नहीं था वहाज अली कौन है, जुमना जैदी कौन है, क्योंकि ड्रामे सिर्फ मैं ही देखती हूँ, बच्चे बिल्कुल भी नहीं देखते. तो इसको बस इसकी जो फेवरेट थी ना, यही जो रीमा जी हैं जो कंपेयरिंग कर रही हैं, ये मन्हा की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है. अक्सर हम शोज़ वगैरह में जाते हैं, ये कंपेयरिंग कर रही होती हैं, तो मन्हा इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है. तो मन्हा इनके लिए ही स्पेशली आई थी और बस मन्हा इन्हीं को देखती रहती है, बोलती इतना नहीं है लेकिन बस इन्हें देखती रहती है. तो यहाँ पे इसी तरह साथ साथ जो है डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह भी चल रही थी. ये जुमना जैदी और वहाज अली के आने से पहले ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा था और उनके साथ साथ वेट हो रहा था. तो यहाँ पे इसी तरह ये सारे लोग भी इंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे. और हसन तो यहाँ पे जो है ना डांस करने लगे, लेकिन जब वो दोनों आए हैं ना तब तक हसन सो चुका था. अगर हसन जाग रहा होता ना तो डेफिनेटली इसने कुछ ना कोई मूवमेंट बनानी थी. अच्छा, जुमना जैदी और वहाज अली की डायरेक्ट जितनी भी जो वीडियोस थी, जो भी जितनी देर भी वो आके यहाँ पे बैठे बातें वगैरह की, वो तो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. जिन्होंने नहीं देखी तो जाके कंप्लीट फुल वीडियो भी एक मैंने डाली है, यानी जितनी देर भी वो यहाँ पे बैठे रहे हैं ना, जितनी देर भी ऑडियंस बातें करती रही है, तो वो सारी कंप्लीट वीडियो ए टू जी सारे हर चीज़ है वहाँ पे अवेलेबल. तो आप जाके वो भी देख सकते हैं. और उसके अलावा कुछ मैंने क्लिप्स छोटे छोटे डाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी. जब मैंने डाल ली फिर मैंने कहा वो पता नहीं लोगों ने पूरी भी देखी है कि नहीं, तो मैंने एंड से जो थोड़े थोड़े क्लिप्स वगैरह भी हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के, वो भी मैंने डाले हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं. और यहाँ पे मैंने कहा जो है ना, मैंने कहा अब जो है सारा आपको कंप्लीट दिखाती हूँ, इवेंट दिखाती हूँ कंप्लीट, क्या क्या हुआ यहाँ पे, जिस तरह हम आए और सब कुछ किया. खैर वो लोग आएंगे तो वो भी थोड़ा सा मैंने आपको दिखाऊंगी कैसे आए वो. और फिर उसके बाद जो है ना, मन्हा स्टेज पे गई, क्योंकि सारी बात है मन्हा की, मन्हा को पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता था, मन्हा को यहाँ भी पता चला, साथ ही मल्टी मीडिया पर इनके जो ड्रामे हैं उनके क्लिप्स वगैरह चल रहे थे, तब मन्हा ने मुझे कहा ओ ये तो ड्रामों में आती हैं. मैंने कहा हाँ. फिर उसके बाद मन्हा को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ और जब वो लोग आए, मन्हा ने उन्हें देखा, फिर मैंने एक्साइटेड हुई, फिर मैंने स्टेज पे गई, बैठी रही, जाहिर पता है शाय है तो कुछ बोली वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं. तो मन्हा को मैं यही कह रही थी कि देखो आप कितनी लकी हो, आप उनके पास बैठ के चली गई और उनसे आपने शेक हैंड किया, तो कहती आप ही कर लेती, आप भी चली जाती. अब उसको क्या पता, वो इतने वीआईपी लोग हैं, तो मन्हा तो चली गई. खैर उसके बाद जो है हम लोग उनसे जो है मिले, बातें वगैरह की. और वहाँ पे जारी बताओ मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था, वो अलग से उन्होंने एक रूम बनाया हुआ था, वहाँ पे जो है वो उनसे मिल सकते थे, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बना सकते थे.
और उसके अलावा थोड़ी सी बात वगैरह भी कर सकते थे. तो मैं वहाँ पे अंदर रूम में गई, मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात की, उनको बताया उनके जो जो ड्रामे मुझे पसंद थे और वो सारे उनको बताए. और मनहा और मैंने फिर हम लोगों ने पिक्चर उनके साथ बनाई, तो वो भी आपके साथ जो है जब मिलेंगी तो शेयर करेंगे. अभी तक तो हमने ऑर्डर नहीं की, ऑर्डर करके फिर मिलेगी तो फिर करेंगे. She is an artist based in Washington, D.C. with a forte in Bengali and popular Hindi Bengali music. Zora has performed for a wide variety of audiences over the last 15 years. How much talent this young girl has? 15 years. And bring diverse communities together. That's, I love that because that's also my passion. Bringing communities together through arts. To promote love, peace, healing, and unity. Zora is niece of my very, very, very dear friend, Ms. Sanju Chaudhary. She is the owner of Bright Star Entertainment. Bright Star Entertainment brings to us amazing festivals. Enjoy, ladies and gentlemen. We're gonna go ahead and set up in just a second and we'll get started here. To Zora Murshid, please make some noise. We just met today backstage and we decided to do this together. So hopefully we do justice to the songs that we're preparing. On my right side, one of the greatest guitarists I've ever heard in my life, Omer Iqbal, everybody, give a big round of applause. Thank you. तो ये तीन जो हैं वो सिंगर्स आए और इन्होंने डिफरेंट सॉन्ग्स वगैरह गाए. तो यहाँ पे अभी इंतज़ार तो जो है वो यमुना ज़ैदी और वहाँ चली का ही हो रहा था, लेकिन साथ साथ गाने वगैरह सुन रहे थे. और छोटे बच्चे थे ना, बच्चे इस कदर तंग कर रहे थे कि टाइम जो है ना वो काफ़ी लेट हो चुका था और ये काफ़ी लेट आए थे यमुना ज़ैदी और वहाँ चली. सब ही बोलने लग गए थे लेकिन बहुत लेट हो गया था. लेकिन साथ जो है एंटरटेनमेंट हो रही थी, सिंगर गाने गा रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों वाले जो थे ना वो उनके लिए थोड़ी सी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे थे. और हसन जो है, मनहा सही रहती है, हसन थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन एंड पे जाके जो है ना हसन, शुक्र है जब वो लोग आए हैं तब तक हसन सो चुका था, वो चला गया था. और हम लोग यहाँ पे जो है ना बैठे रहे आराम से और हमने वो सारा जो है जिसके लिए हम इतना वेट कर रहे थे, एक घंटे की ड्राइव करके आए थे, वो सारा हमने इवेंट जो है ना वो इन्जॉय किया. उनके लिए ही आए थे और वो सारा जो है बड़ा ज़बरदस्त मज़े का रहा. सेशन क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था और सारी ऑडियंस को मौका दिया कि ऑडियंस बातें करे, दिल की बातें करे, जो जो क्वेश्चन हैं उनके माइंड में वो करे. और उसके अलावा सबसे मेन सबका क्वेश्चन यही था कि तेरे बिन पार्ट टू कब तक आएगा. तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो जो है उस पर वो लोग काम कर रहे हैं और होप्स हो कि जल्दी आ जाए, क्योंकि लोग इतना बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं. अब उस बेताबी को भी जो है वो एक साल हो चुका है. अच्छा, तेरे बिन पार्ट टू का उन्होंने ऐसे क्लियरली बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस है, काम हो रहा है, आ जाएगा जल्दी, और इतना वो नहीं किया क्योंकि वो उन दोनों का इकट्ठे आना, मे बी हमें तो यही लग रहा था शायद तेरे बिन टू की प्रमोशन ही कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो है ना फुली ये नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं काम कर रहे हैं. अब वो जो है वो उस पर कितना टाइम लगेगा तो ये नहीं पता, लेकिन जो है ना वो सब फैन जो है वो भी तो मनहा का ये है कि मनहा के जहाँ पे रीमा जी होती है, मनहा ने बस वहीं पर जाना होता है. मनहा दीवानों की तरह इन्हें पसंद करती है, इनके पीछे पीछे रहती है और वो भी आगे से मनहा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं. तो ये जो है ना यहाँ पे यही था कि मनहा उनके पीछे पीछे ही जाती थी. और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स वगैरह डिफरेंट ये लोग गा रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे हम लोग. तो एक दफ़ा फिर जिन सब ने जो है वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया उन सब का थैंक्स.
और यूं ही जो है मेरा चैनल देखते रहें। उसके अलावा यहाँ पे इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त शोज़ होते हैं, डिफरेंट सिंगर्स वगैरह आ रहे हैं। अभी जो है ना ये थोड़ा सा सीज़न स्टार्ट हो गया है डिफरेंट सिंगर्स के आने का यहाँ पे। यहाँ पे अक्सर एवरी ईयर ही आते हैं। तो अभी जो है ना यहाँ पे जो है जवेरिया सऊद और सऊद ये लोग भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो वाला इवेंट भी जाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा राहत फ़तेह अली हैं, वो आ रहे हैं। ये सारे इवेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग जो है वो पसंद करते हैं देखना, और जो जो देखना पसंद करते हैं तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपके साथ मिल के हम भी इंजॉय करते हैं। और मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ड्रामे बहुत ज़्यादा देखती थी। उसके अलावा इंडियन फिल्म्स मैं बहुत ही ज़्यादा देखती थी, छोटे होते से ही बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। अब खैर यही शादी के बाद बहुत ही कम हो गया, मुझे नहीं इतना पता कि नए जो है फिल्म्स क्या चल रही हैं, नए गाने क्या चल रहे हैं, इतना बद नहीं ही पता। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जो ड्रामास हों वो मैं देखती हूँ। और आजकल मैं जेंटलमैन देख रही हूँ। जितनी मोहब्बत और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप एहसास हो रहे हैं कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। थैंक यू वहाज, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, लव दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वहाज प्लीज हैव अ सीट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रिपेयर टू बी एनथ्रॉल्ड एज वी वेलकम टू द स्टेज अ ट्रू पावर हाउस ऑफ टैलेंट, ग्रेस एंड वर्सेटिलिटी, celebrated for her mesmerizing performance in a wide array of social and romantic dramas. She has captured the hearts of millions and left an indelible mark on the Urdu television industry with an impressive collection of accolades, including 5 Lux Style Awards and a Hum Award. She stands as a beacon of excellence and inspiration. Please join me in giving a warm welcome to the sensational and incredibly gifted actress, Yumna Zahiri! Crazy fan.
फॉर बोथ ऑफ यू. किन कपड़ों में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? यमुना कैन आंसर फर्स्ट एंड देन वहाज. आप लोगों के लिए आज मैं खास, मैंने कहा दिस इज द फिनाले सो आई शुड लुक द बेस्ट. और आप सब लोग इतना प्यारा तैयार होकर आए हैं, इतना वार्म वेलकम दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. यमुना, यू लुक ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी. द साड़ी कलर इज सो ब्यूटीफुल एंड यू आर लुकिंग वाइब्रेंट. थैंक यू. आई थिंक मुझे जिसमें मेरे चाहने वाले दिखना चाहते हैं मैं उसमें कंफर्टेबल होते हैं. What an answer, and you look dashing. Thank you. I can do that. That smile. So जब वहाज यमुना को ट्वर्ल करके टिप करता है, that moment उनके दिलों में बसा हुआ है. वो कहते हैं कि ये चीज किस तरह से हमारे हस्बैंड हमारे लिए करें. तो मैंने कहा जब वहाज और यमुना आएंगे तो उसका जवाब वो देंगे, मैं वेट करूंगा. वो उसके लिए खास तैयारी होती है और हस्बैंड्स को बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए घर पे. तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल. इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड, सो या व्हाई नॉट. सॉरी गाइस, पैसे मिलते हैं. लेडीज यू गॉट योर आंसर. तो मुझे वहां जुड़ी ना, मुझे कुछ अच्छी बात है कि आप सब लोग आ गए हैं. आगे आने वाला सफर बहुत अच्छा गुजरेगा. सर बोलिए, माइक उनको. सर आप आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए. Any dish do you think represents your personality the most? Wow. That's a good one. Nice. दाल चावल. I think for me it's meetha paratha. Oh yeah. कौन सी डिश? मैं सुना नहीं. Biryani for Bhaj. For me meetha paratha. I love meetha paratha. That's why she's very sweet. तेरे बिच्छों का आप लोगों का फेवरेट सीन कौन सा था? विच इज द वन दैट एक जनरल मुझे चाहिए कि देखते मेजॉरिटी जो लोग हैं यहाँ पे उनका फेवरेट सीन कौन सा था? स्विमिंग पूल. डांस जोशांदा. देयर इज स्विमिंग पूल, देयर इज डांस, देयर इज जोशांदा. One second, I will come to you. It's a very nice dialogue. आपने पूरा dialogue बोल दिया है. Can you say? Yumna says कि उनका काम में दिल नहीं लगता and he goes well. हमेशा लगा लो दिल. It was so funny. So I would request for her if you all can do that please. Because she said that dialogue. क्या dialogue था? कि मेरा काम में दिल नहीं लगता and then he goes हमेशा लगा लो दिल. हाँ थोड़ा सा हो जाए. It's so cute. So cute. But we would also want a little bit. हमारा भी थोड़ा सा दिल लग जाए. पता नहीं किस काम में लगा दिया है मुझे, मेरे तो इस काम में दिल ही नहीं लगता है. मुझे हमी से लगा रहा दिल. एक दो तीन चार पांच छह सात दिल लग चुके यहाँ पे. Thank you.